अदर मेकअप ट्यूटोरियल, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये होने वाला है मेकअप ट्यूटोरियल। है डिसेंट सा ड्रेस है, ठीक है, पीच और पिंक कलर है, पिंपल्स एंड देयर मार्क्स, तो वो लोग बड़े ठीक है। वो अभी मेरी गर्दन काली और मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने थोक दी है थोड़ी सी, एक मिनट तक लगे रहने ताकि आपकी चमड़ी के साथ जो है ना चिपक जाए, ठीक है। हरी हरे लेंस लगा के ना डड्डू जैसी आंखें लग रही है। मेकअप करते हैं, देखना इसने इतने घंटे लगाए, मैंने देखना 5 मिनट में रेडी बजाय इसके आप आंखें बंद कर ले, मुंह खोलने के बजाय आप आंखें बंद कर ले तो अच्छे तरीके आप गाइस ये 5 मिनट में इतना तैयार हो जाएगी, ये नहीं नजर आ रहा है कि मैं साथ-साथ व्लॉग बना रही हूं, हट जा पीछे सारे, ये 3 भूतनियां लग रही हैं मम्मी जी, पर अपना मेकअप किया ही बड़ी प्यारी लग रही है, रोना नहीं है आप, ठीक है, मैं रोते थे भी। अच्छा अम्मी ने भी देखे जूतों के साथ चैनल विद एन अदर मेकअप ट्यूटोरियल, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये होने वाला है मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि मैं अम्मा और सहविश महविश जा रही है जा रहे हैं एक शादी पर, मतलब हम लोगों को एक शादी है थी, बहुत दूर की शादी, लेकिन हम लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ट्यूटोरियल बना लूँ, अपना वेडिंग मेकअप बताऊँ कि मैं कैसे करती हूँ, और मैंने लेंसेज भी लगा लिए हैं और मैंने अपनी सारी स्किन को प्रेप कर लिया, लोशन वोशन लगा लिया अच्छे से, मेरी स्किन जो है रेडी हुई है। सो आज हम कौन सा मेकअप करने वाले हैं और कौन से कपड़े पहनने वाले हैं ये हम आपको अभी दिखाते हैं। सो ये है हम लोगों का ड्रेस, कितना ही प्यारा है, डिसेंट सा ड्रेस है, ठीक है, पीच और पिंक कलर का है, साथ में ना इसी तरह का शरारा है, ठीक है, और साथ में पैरेट कलर का दुपट्टा है, तो इन्हीं दोनों कलर को हम लोग दिमाग में रखते हुए मेकअप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले तो आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लें, लोशन लगा लें, सीरम लगा लें, सनब्लॉक लगा लें, जो जो आप लगाते हैं वो लगा लें, मैंने लगा लिया है। फिर उसके बाद अगर आपके बहुत सारे निशान हैं तो आप लगाएं कलर करेक्टर, हम लोग वो लगा ये है कलर करेक्टर जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि आई हैव पिम्पल्स एंड देयर मार्क्स, तो वो लोग बड़े ठीक है, वो मेकअप से कभी कभार नहीं रिमूव होते हैं, तो फिर इसलिए कलर करेक्टर लगा लेंगे तो फिर वो थोड़े से रिमूव हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ये माथे पर बहुत ज़्यादा है। अब हम लोगों के घर में आ गए हैं थोड़े से मेहमान, और मैंने अपने कलर करेक्टर को इस ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया ताकि जब मैं फाउंडेशन लगाऊं तो वो ज़्यादा फाउंडेशन के अंदर ना हो जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके मैंने कितने प्यारे तरीके से अपने दाने और उनके निशान छुपा लिए। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन, इग्नोर माय ब्राउन फैमिली, ठीक है, फाउंडेशन लगाते हैं। और अब हम लगाएंगे फाउंडेशन, आई एम यूजिंग दिस फिटमी की मैट पोरलेस फाउंडेशन 115 कलर, जो कि मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा सा मिलता है, मेरी गर्दन काली और मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने थोक दी है थोड़ी सी। शादी किसकी है? पता नहीं किसकी है, मुझे नहीं पता किसकी है, बस अम्मी ने कहा मैं तो जा रही हूँ। नहीं नहीं है कोई है या मुझे तरीके से अपनी बेस को सेट कर लिया है, ये मैंने फाउंडेशन लगा लिया है, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ही लगाऊंगी आज फाउंडेशन। अब हम लगाएंगे कंसीलर, मैं मिस रोज का कंसीलर यूज करती हूँ क्योंकि ज्यादा महंगे कंसीलर खरीदने के पैसे नहीं होते, मैं गरीब हूँ। अब हम कंसीलर लगाएंगे, कंसीलर भी आप वहाँ वहाँ ही लगाएं जहाँ पर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, लाइक आपके ये नहीं होते डार्क सर्कल्स, वहाँ लगाएं, मतलब डार्क डार्क एरिया पे लगाएं। सो मेरे डार्क सर्कल्स तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लगाएंगे। तो अब मैंने बहुत सारा कंसीलर थोप लिया, मुझे कंसीलर बहुत अच्छा लगता है थोपना, तो मैंने थोप लिया। अब इसको आप थोड़ी देर स्किन पे लगा रहने दें, मतलब कोई 1 मिनट तक लगा रहे हैं ताकि आपकी चमड़ी के साथ जो है ना चिपक जाए, ठीक है, फिर उसके बाद ही उतरेगा, फिर आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें, ठीक है। तो 1 मिनट का इंतजार करते हैं, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा तब तक। ये कब अपलोड करोगी? ये पता नहीं, ये महंगी बोतल है, इससे पानी पियेंगे, दुबई से मंगवाई थी स्टारबक्स की। तो गमना तो पीछे जो मैं सॉरी नहीं आ पा गया होगा पीछे जो मैंने इधर
मुताला पाकिस्तान की किताब से हम अपने कंसीलर को सुखाएंगे क्योंकि पढ़ाई में तो इससे काम नहीं आना, तो सुखाने के काम आ जाए क्योंकि हम इसको खोल के भी नहीं देखते। अब हम करेंगे इसको ब्लेंड 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 खैर अब हम लोगों ने अपनी सारी बेसिस ऐसे लगा ली है और गर्दन और मुंह और हाथ का रंग बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। इसको भी निमरा जो है वो मैच करना जानती है लेकिन एंड पे करेंगे। फिलहाल हम बस अपनी बेस को सेट करेंगे। अब हम लगाएंगे फिटमी का पाउडर, मैट पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर। मैंने फिटमी का ली है और अब हम लोगों ने अपनी बेस को प्रॉपरली बना लिया। अब हम आएंगे आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप जो है वो हम लोग करेंगे पीच पिंक और थोड़ा सा ग्रीन ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ पिंकी पिंकी सा करते हैं। तो अभी इन किट्स को स्टार्ट हम करेंगे इस ब्राउन मेकअप से। पूरी आंख को ना ब्राउन करेंगे फिर उसके बाद पिंकिश सब कुछ करेंगे। थूक का इस्तेमाल से होगा ना, एक ही कलर वो अंदर से वाइट है बाहर से मैरून है। अहमद का अब ब्राउन से मैंने सारी अपनी आंखों को वो कवर कर लिया। अब हम थोड़ा सा पिंकिश और पीच सा लुक देंगे। फिर से थूक का इस्तेमाल करेंगे। और अब मैंने जो है वो थोड़ा सा पिंकिश सब लगा लिया लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। अब हम ग्लिटर लगाएंगे ना, तो ये ग्लिटर पिंक कलर का है और बड़ा अच्छा ग्लिटर है। अक्सर ही मैं अपनी आंखों पे थोपती रहती हूँ और ये थुप थुप के देखें ख़त्म भी हो गया। आपने इग्नोर करना है इस किट को, ठीक है? हमारे घर पर बच्चे आते रहते हैं, अभी भी एक बच्चा आया हुआ, ठीक है? वो पूछा मीम्स कैसे डालती हैं अपने व्लॉग में, इतना सा बच्चा, ठीक है? अब ये ग्लिटर ऐड करते हैं, ये हम उंगली से लगाएंगे। ये देखें वाह, तो नज़र आ रहा है। इसको ऐसे लगा लें अपनी उंगली से। वैसे ये किट के ग्लिटर्स बहुत अच्छे हैं ना, चिपके रहते हैं क्योंकि ये लिक्विड ग्लिटर्स हैं शायद। और अब हम दूसरी आंख पे लगाएंगे। और आंखों का मेकअप जो है वो मैंने कर लिया है। आई शेडोज मैंने लगा लिए हैं। ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे करना आता नहीं है। लैशेज वैसे नहीं मैं लगाती क्योंकि मेरी अपनी पलकें बहुत बड़ी हैं। खैर अब हम लगाएंगे आई लाइनर, अ वेरी 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 डिफिकल्ट पार्ट। तो इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं, बातें कम, लाइनर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हो शीशा पकड़ लेते हैं ताकि इधर तो आपको नज़र आएगा ही आएगा, मेरा खराब हो जाएगा। सबसे पहले ना आपको लाइनर लगाने की ट्रिक बताती हूँ। मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं आप इतना करेक्ट लाइनर कैसे लगा लेते हैं, जबकि कैमरे में ही करेक्ट लगता है, वैसे करेक्ट नहीं होता। आप ये जो आईलिड, इसको आईलिड ही कहते हैं क्या कहते हैं, जो पलकों के साथ साथ वाली ये जो स्किन होती है ना, बिल्कुल जुड़ी हुई स्किन, उसके साथ साथ पहले एक लाइन लगा लें आईलैशेस के साथ। तो मैंने जो है अपनी आंखों के साथ साथ जो है ये लगा लिया, ठीक है? अब हम विंग बनाएंगे। जा रहे हैं अहमद, अल्लाह हाफिज़ भी नहीं करके जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। खैर ये मुझे खाला खाला कहता है, बड़ा प्यारा लगता है, इसी बात पे इसको चॉकलेट देंगे। खैर ये मैंने रखी थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। दो दो हैं, दो दो, ठीक है ना? चलो मेरा ब्लॉग देखना तुमने सारा, सब्सक्राइब भी करवाना तीन मंदिर से, ठीक है? बाय बाय कह दो, बाय बाय। शुक्र है ये जा रहे हैं ताकि मैं बोल सकूँ। मैंने काफी देर से बोला नहीं है, मैं कितनी चिट्टी लग रही हूँ। खैर ये लाइट की वजह से लग रही हूँ, वरना मैं मतलब नॉर्मली सही लग रही हूँ। खैर आंखों के साथ साथ इस तरह से आपने आई लाइनर लगा लेना है सानी के लिए, ताकि क्लियर लाइनर लग सके। अब हम इसका बनाएंगे विंग। चपड़ासी छपड़ी लग रही हूँ, छपड़ी नली छपड़ी है रोजगार। सो विंग बनाना शुरू करते हैं। विंग विंग यहाँ से ऐसे लेकर जाएं अपने, यहाँ से सी द विंग, बस इसी तरह का विंग आपने लगाना है यहाँ से शुरू करके, फिर उसको अपने बाकी लाइनर के साथ जोड़ देना है। और इसी तरह हम दूसरी आंख पे भी लगा लेते हैं।
बारी आती है मस्कारा लगाने की, मेरी सबसे फेवरेट चीज़ जिससे मेरी आंखों में जान आ जाती है। सो मैंने बताया था कि मैं रंग बिरंगे मस्काराज यूज़ करती हूँ और ऐसे ही हम यूज़ करेंगे मस्कारा। सबसे ऊपर पहले ऊपर लगाएंगे ताकि जो पाउडर एक्स्ट्रा पाउडर जो है ना वो सारा इसके साथ चिपक जाए। ये जो है ये मैंने ऐसे ही लगाया थोड़ा थोड़ा सा। अब हम लगाएंगे अच्छा भर भर के मस्कारा। मस्कारा ऐसे भर भर के लगाएंगे, आपको आई लैशेज लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और शादी वैसे भी आपके ख़ानदान की नहीं है तो इतना ही तैयार होकर जाएं कि दूल्हा दुल्हन को और लगे ना कि आप। ये मेरी तरफ से टिप नहीं, मेरी तरफ से एडवाइस। मेरी आंखें आप देख सकते हैं कि मैंने मस्कारा लगा लिया है। मैं ऐसे ही ठोक ठोक के मस्कारा लगाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। अब बारी आती है ऊपर वाली आंखें सारी तैयार हो गई हैं, बारी आती है नीचे वाली आंखों की। तो नीचे वाली आंखों पे बस आप कोई भी अपनी आंख से डार्क शेड लेकर उसको नीचे लगा लें ताकि आंखें जो है थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो। ठीक है, हमारे पास ये तो नहीं, इसको क्या कहते हैं, एयरबड ये है, तो इसकी मदद से हम आंखों के नीचे आई शेडो लगा लेंगे। बेसिकली ब्रश मिल नहीं रहा था इसीलिए ये लिया है। डड्डू जैसी आंखें लग रही, हरी हरे लेंस लगा के ना डड्डू जैसी आंखें लग रही। मैं तो खुद मेकअप करने का नतीजा मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। अब हम लगाएंगे वाइट पेंसिल ताकि मेरी आंखें जो हैं थोड़ी सी बड़ी लगें, क्योंकि मेरी आईज जो हैं वो थोड़ी सी छोटी सी हैं। जब मैं हंसती हूँ तो मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तो आंखों में वाइट पेंसिल लगाते हैं। वाइट पेंसिल मेकअप ट्यूटोरियल देना चाहिए। अभी खैर मेरा मेकअप देखेंगे, मैं कैसे मेकअप करती हूं देखना। इसमें इतने घंटे लगाए, मैंने देखना 5 मिनट में रेडी। और अब हम लगाएंगे लोअर लैश पे आईलाइनर, ठीक है, ताकि जो वाइट पेंसिल आपकी पलकों पे लगी है वो थोड़ी सी रिमूव हो जाए और आंखें थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो। अक्सर ही ना लड़कियां जब लोअर लैश पे मस्कारा लगाती हैं तो उनका नीचे लग जाता है, तो उनको एक ट्रिक बताती हूँ कि उससे आपका मस्कारा जो है वो कहीं भी इधर उधर नहीं लगेगा। आंखों को ऐसे करें थोड़ा सा और फिर ऐसे ऐसे लगाएं, ठीक है, बजाय इसके आप आंखें बंद कर लें, मुंह खोलने के बजाय आप आंखें बंद कर लें तो अच्छे तरीके से लग सकता है। ठीक है, और अब हम करेंगे आई मेकअप का लास्ट पार्ट। मेरे लिए यही होता है कि आप जो है इनर कॉर्नर्स पर जो है ये लगा दूँ तो आपकी आंखों का मेकअप, मेरा मेकअप जो इतना सही होता है तो वो डन हो जाता है। ये मेरी आई शो है, हाईलाइटर पैलेट है, ठीक है, कोई 10 साल पुरानी पैलेट है, 10 साल नहीं है, मेरे साथ 4-5 साल पुरानी पैलेट है। उसमें से ये कोई सा भी आप कलर ले लें तो उसको आप अपने इनर कॉर्नर पर लगा दें। सो हेयर इज़ माई आईब्रो मस्कारा, ठीक है, कोई भी ड्राई मस्कारा ले लें और इसको अपनी पलकों पर लगा लें। ना तो मैं आईब्रोज बनवाती हूँ ना ही मैं ये पेंसिल से बनवाती हूँ, क्योंकि मेरी पैसे बहुत अच्छी हैं, यू नो, सेल्फ ऑब्सेशन। चला कुर्ता वाली आईब्रो है मेरी। देखिए आईब्रो भी आपकी बिल्कुल सेट हो चुकी है एंड माय आई मेकअप इज डन।
थिंक यार मेकअप डन हो गया है, बाकी मेकअप की तरफ आते हैं क्योंकि हमारी लाइट भी जाती है 6:15 बजे, तो उससे पहले पहले आपको पूरा लुक दिखाना है। सो हम लेंगे ब्लश, मेरा ब्लश खत्म हो गया था, हम नीचे शाही साहब अभी से दरियाफ्त करके लाए हैं ये ब्रश, ठीक है। ब्लश ब्लश लाली लाली समझते आप। अब हम गलों पे लगाएंगे, गलों पे चिक्स यू ना चिक्स, ऐसे स्माइल करें फेक स्माइल जो आप अपने दोस्तों को देख के नहीं करते हैं, क्योंकि दिल भी नहीं कर रहा होता, स्माइल करने की ज़रूरी होती है, तो फिर आप फेक स्माइल पास कर सकते हैं। जब मेरी चाचियों का फ़ोन आता है ना, मेरी अम्मी का दिल नहीं कर रहा होता बात करने का, फिर वो फेक स्माइल लेके बात करती है। देखिए कभी कभी ब्लॉग में सच भी बोलना पड़ता है, ये झूठ नहीं है सच है। कल का एक इंसिडेंट बताती हूँ, कल एक कॉल आई मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी कहती है इसने मुझे क्यों कॉल किया, कॉल उठा के ना पहले ना मैंने ना टीवी की ना आवाज़ बंद कर दी क्योंकि शायद कोई ज़रूरी कॉल होगी ना, जैसे मम्मी को पता लगा कि उसने तो मेरा हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया, अब मेरे ना फोन स्पीकर पर फोन ऐसे रख के ना तो टीवी लगा लिया। हाँ हाँ सही कह रही है किरण, हाँ किरण देखे मैं बता रही हूँ फेकनेस है ना, ये हर जगह अच्छा ही है यार, अम्मी मुझे ना ऐसे देखनी है, बकवास ही बस करना सीखी है और बात, ठीक है। आपने ये लालियों पे लगा लेनी है, फिर नोज पे भी लगा लेनी है ताकि आपका नोज भी पॉइंटेड हो, पॉइंट आउट हो। ये लड़कों को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है ना ब्लश लगाना, ब्लश से मेरे ख्याल से लड़के अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा मुझे लड़के किसी ने कहा था कि तुम इतना ब्लश लगाती हो, तुम इतना ब्लश लगाती हो, तुम लड़कों को अट्रैक्ट करना चाहती हो। मैंने कहा भाई अगर ब्लश से होते होते तब तक मेरी शादी भी हो गई थी जितना मैं ब्लश ठोकती हूँ। खैर हम लोगों ने ब्लश भी लगा लिया, ऐसे माथों पे भी लगा लें, कॉन्टोर ना करें अगर आपका मुंह मेरे जैसा है विदाउट कॉन्टोर, ही आपका मुंह एक शेप में है तो आप ना करें, ऐसा तो शेप में नहीं है। मुझे तो शाही भाई कहते तुम्हारा जो मुँह है ना, तुम्हारी जो चिन्ह है ना, ये स्पाइडर मैन जैसी है, नहीं सुपर मैन जैसी है, नहीं नहीं बैट मैन जैसी है किसके जैसी मुझे नहीं पता। खैर ब्लश लग गया है, अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। अच्छा ये है होल पर ही, ये है जिन पर। खैर अब लिपस्टिक की बारी आती है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके लिपस्टिक पे जितना भी फाउंडेशन है ना वो आप उतार दें, वरना ना क्रीज क्रीज बन जाती है, लाइंस आ जाती हैं। अब मेरे वाले अच्छा गाइस अब हम लिपस्टिक लगाने लगे हैं, इस तरह से आपने अब गाइस पांच मिनट में इतना तैयार हो गया कि ये नहीं नजर आ रहा है कि मैं साथ साथ ब्लॉग बना रही हूँ, है हट जाए पीछे सारे, ये तीन भूतनियाँ लग रही हैं मम्मी जी पर। तीन भूतनियाँ नहीं, पांच मिनट भी बहुत ज्यादा मैंने लिए हैं, पांच मिनट से पहले तैयार हुई हूँ, आपने दो घंटे तैयार देखे कैसे हुई हैं, ऐसे ही होना चाहिए तैयार। अच्छा अब आप एक ब्राउन कलर की आउटलाइन लें, उससे अपने बालों कह रही हूँ और उससे अपने होंठों को आउटलाइन करें, लेकिन मेरे होंठ कितने पिंक है ना बगैर लिपस्टिक के भी, लेकिन लिपस्टिक इज इम्पॉर्टेंट, आउटलाइन ठीक है। जो एम बना होता है ना होंठों का वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जो लड़कियां अपने होंठों से बड़े होंठों की लिपस्टिक लगाती हैं ना, मुझे वो लिपस्टिक भी अच्छी नहीं लगती, अजीब से होंठ लगते हैं, तो मुझे नेचुरल होंठ ही मेरे अच्छे लगते हैं, तो उन्हीं को मैं आउटलाइन करती हूँ। अब ये आउटलाइन आपने लगा ली, इसके अंदर आप मतलब इनर जो होंगे ना लिप्स के उसके अंदर आप कोई भी लिपस्टिक लगा लें आपकी मर्जी, लेकिन मैं टिंट का इस्तेमाल करूँगी और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खत्म भी हो गया, पता नहीं कौन से ब्रांड से आया स्टिकर सुकर भी उतार के फोटो देते हैं, ठीक है। और ये मैंने अपनी लिपस्टिक भी लगा ली, अगर तो आपने इसी तरह अपने लिप्स को रखना है तो आप रखें मैट, लेकिन मुझे ग्लोसी लिप्स बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग जो हैं ये
ये मैंने खुद से बनाई है, ट्रांसपेरेंट था, इसके अंदर मैंने टिंट डाल दिया तो ये पिंक पिंक हो गया। और आप इसके ऊपर कोई भी ग्लॉस लगा लें। मैंने हिजाब भी कर लिया। अल्लाह किड्डा बुरा हिजाब है, तेरा उधर आ गया वापस वापस आ वापस। ये मेरी लुक हो चुकी है बिल्कुल रेडी। मेरा मेकअप बिल्कुल ये है जो बेस आपने अपने मुंह पे लगाई है, वही बेस आप अपनी गर्दन पे लगा लें और बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्शन है वो सेम कर लें। अब हम बनाते हैं बाल, पहनते हैं कपड़े और पहनते हैं ज्वेलरी और आपके सामने होकर आते हैं तैयार। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। हेयर इज माई मेकअप जो कि आपने पहले देख लिया है, और ये बाल है। मैंने हेयर स्टाइल बनाना था लेकिन मैं नहीं बना सकी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे घर की लाइट चली गई थी। फिर हम लोग ऑटो रिक्शा करवा कर आए हैं सैरिश के घर, वहाँ पर मैंने बाल स्ट्रेट किए हैं और ये मेरे बाल हैं। और लेट मी शो यू माई आउटफिट। ये शर्ट है, साथ में ये गरारा है, सॉक्स पहनी है क्योंकि यू नो सर्दी है तो फैशन अपनी जगह, सर्दी भी अपनी जगह। खैर ये प्यारा सा दुपट्टा है, ठीक है। ये आपने देख लिया प्रिंसेस को, अब आपको दिखाते हैं एनाबेल। मैं अगर दिखा दिखा ये देखें, वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज नहीं है द नन, सीरीज है कि फिल्म में पता नहीं जो भी है, ये बिल्कुल वैसी लग रही है ना। नहीं नहीं अच्छी लग रही है, इसने मुझे अपना मेकअप किया ही, बड़ी प्यारी लग रही है, रोना नहीं है आप भी, ठीक है। मैं रोता तेरी। अच्छा अब आपको दिखाएंगे वो जो बाहुबली आपने मूवी देखी है ना, सॉरी बाहुबली में वो आती है ना जो कटप्पा की माँ, नहीं कटप्पा की माँ नहीं, राजमाता, राजमाता आई है, राजमाता पधारिए पधारिए। अम्मी को इतनी सर्दी लगती है, इतनी सर्दी लगती है। अम्मी ने भी देखे जूतों के साथ शादी का जोड़ा है जो की बड़ा अच्छा लगा। अम्मी ने मेकअप खुद ही किया, अम्मी का मेकअप भी गौर से देखिए, मैंने खुद ही किया। हमारी कैमरा मैन तू जो कैमरा ना सही बस का। तो अब हम लोग तैयार, ठीक है, टाइम बहुत कम है तो अब हम लोगों ने राइड करवा लिया है। राइड आ गया, नहीं आ रही मैं जावा। हाँ तू जा सारे, मैं तस्वीर खींचनी, रुक जा रुक जा, तस्वीर खींचनी, चलो खींचो ना मेरा। रोटी शोटी खा ली है, ठीक है, शादी भी देख ली है। खैर से हम टाइम बहुत कम टाइम पर आए थे तो वो टाइम जो खत्म हो गया, शादी हॉल की लाइटिंग जो वो बंद होने लगी थी। रोटी शोटी खा के अब हम लोग वापस घर को जाने लगे हैं, ठीक है, तो घर को चलते हैं। और बस इतनी सी शादी थी और ये शादी का व्लॉग था। सब अम्मी की वजह से हुआ, चलो अम्मी की वजह से, आपके बालों की वजह से हुआ, आपके बालों की वजह से नहीं हुआ, आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से छोड़ दो करना। हां तो अब घर चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं घर वापस। मैंने आके जल्दी वगैरह सब उतार दी तो मुझे याद आया कि भाई साहब एक्स्ट्रा भी करना है। अब वक्त आता है इन कपड़े को उतारने का क्योंकि ये भाड़े के कपड़े हैं, वापस भी देने होते हैं सही सलामत जैसे लिए हुए हैं। भाड़े के नहीं है ये तो, मुझे किसी पेज ने भेजते। खैर खैर हम लोग आ गए हैं घर, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, ठीक से सर्दी में शादी को इन्जॉय भी नहीं कर सके, तो मैं लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि भाई जब आप शादी करें तो आप कम सर्दी में करें, करें इन्हीं महीनों में, मानती हूँ कि शादी का सीज़न होता है लेकिन इतनी भी नहीं कि आप जनवरी फरवरी की सर्दियों में रख लेना, दिसंबर और जनवरी की। तो भाई धुंध पड़ रही थी बाहर, बंदे से बंदा नज़र नहीं आ रहा था, तो आप ख्याल किया करें हम जैसे गरीबों का, ठीक है। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।